स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्यूटी और बेस्ट में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीसी 16, 12 और 21 तीनों में काम आने वाला ईपीडब्ल्यूए कोड, और इसमें चैप्टर 17 हम लोग देखेंगे। और चैप्टर 17 ट्रांजैक्शन विद अदर डिवीजन डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट, ठीक है, ट्रांजैक्शन विद, ठीक है, अदर डिवीजन, ठीक है, इन सेम डिपार्टमेंट, ठीक है, अदर डिपार्टमेंट यानी कि सेम गवर्नमेंट, ठीक है, और अदर गवर्नमेंट, इसमें तो कहना ही नहीं होगा, सेम कंट्री, समझ गए। तो ट्रांजेक्शन किसका, सीपीडब्ल्यूडी का, यानी एक तरफ कौन है, एक पार्टी है सीपीडब्ल्यूडी, और उसके साथ दूसरी तरफ कौन होंगे, दूसरी पार्टी, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली यार यही पढ़ना है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा इसको प्रिसाइज करते हैं। आपको जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अकाउंट कोर्स फॉर अकाउंटेंट जनरल पढ़ा है या कैम पढ़ा है, और अकाउंट कोर्स फॉर अकाउंटेंट जनरल में ACAG में, ठीक है, चैप्टर 5, और कैम में चैप्टर कौन सा वाला है एक बार देख लेते हैं, इंटर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन के लिए चैप्टर कौन सा है कैम में, कोई मुझे बताएगा सर? GR में भी है, GR चैप्टर 4 में भी है, चैप्टर 8 में, कैम चैप्टर 8 में, GAR में भी है, हाँ सर, चैप्टर 4, चैप्टर 4 है। ये देखिए, ये सब इंटर गवर्नमेंट और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन के लिए चैप्टर हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें दो बातें कम से कम क्लियर हैं। पहला कि दो तरह से ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, इसको कहते हैं RBI सेटलमेंट, राइट, RBI सेटलमेंट, ये सेटलमेंट वर्ड यहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे कैश सेटलमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वाले मामले में, अच्छा, ये RBI सेटलमेंट तब कहा जाता है जब इंटर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन के मामले में, राइट। लेकिन अगर इंटर डिपार्टमेंट या इंटर डिवीजन ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना, इंटर डिवीजन या डिपार्टमेंट, वहां पे आपका RBI सेटलमेंट काम नहीं आता है। जैसे यहाँ कैश सेटलमेंट है ना, उसको कहा जाता है बुक ट्रांसफर, ठीक है, इसका मतलब कि नो कैश इन्वॉल्व्ड, मामला समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, हाँ जाना बताइए। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये तो पता, ठीक है, ये पता है ना, चलिए। तो अभी हम लोग बेसिकली देखने जा रहे हैं, एक तरफ CPWD है और दूसरे तरफ दूसरा डिवीजन है, दूसरे तरफ दूसरा डिपार्टमेंट है और दूसरी तरफ दूसरा गवर्नमेंट, ठीक है। इस वाले मामले में हम लोगों को ये बताया गया है कि अमूमन केवल दो डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए तो सब जगह एडवांस पेमेंट का ही है, यानी कि कैश सेटलमेंट वाला प्रोसीजर है, राइट। देखिए, कैश सेटलमेंट में आता है एडवांस पेमेंट, ठीक है, और एडवांस पेमेंट में आपको चेक और डिमांड ड्राफ्ट या फिर कहीं कहीं इसको बैंक ड्राफ्ट भी कहा गया है, राइट, ये वाला मामला बनता है, ठीक है। केवल दो ऐसे डिवीजन नहीं, दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं या ऑफिसेस आप कह सकते हैं जिनके साथ में ये वाला मामला नहीं बनता है, और वो वाला कौन सा है देख लीजिएगा। एक तरफ कौन है, CPWD है ना, वर्सेस एक हो गया कैबिनेट
कैबिनेट भी नहीं कह सकते, सेक्रेटरीट कह दीजिए, तो सेक्रेटरीट कहते हैं इसको, ठीक है, सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, और दूसरी तरफ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पे ये वाला क्या सेटलमेंट नहीं चलता है, राइट, यहाँ पे दूसरा वाला मामला चलता है, यानी क्या सेटलमेंट है लेकिन वहां पे एडवांस पेमेंट वाला मामला नहीं, समझे। इसका मतलब ये है कि सीपीडब्ल्यूडी को इन दोनों ऑफिसेस के एवज में बिना एडवांस पेमेंट मिले भी काम करना पड़ता है, और बाकी मामलों में एडवांस पेमेंट इनको मिलना ही मिलना है। तो हम लोगों को बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। अब किसके हेड कहाँ से लागू होंगे वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको प्राइमर से इतना जान लेना है कि ये और ये दोनों ही सेक्रेटेरिएट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सीपीडब्ल्यूडी के साथ में एडवांस पेमेंट के बिना भी काम करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, और कोई भी एक आदमी सीपीडब्ल्यूडी के चैप्टर 17 का 17.1.1 पढ़िए, द कंडीशन अंडर विच वन पढ़िए, कोई भी एक आदमी under which one department of the public service may raise debit against another department under the same government or any department under another's government for service render or article supplied to it are regulated by the direction contained in chapter 4 of the government accounting rules 1990। जैसा कि आपने बताया, ठीक है, तो आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि CPWD दोनों ही काम कर सकती है ना, कौन से सर्विस रेंडर, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, और मटेरियल या आर्टिकल सप्लाई, ठीक है, ये दोनों ही काम इसके द्वारा किए जा सकते हैं। इन दोनों ही मामलों में आइदर ए और बी आपको पेमेंट लेना है एडवांस पेमेंट, जैसा कि आपके गार में लिखा हुआ है गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल चैप्टर 4। मैंने आज इसको देखा तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल मेरे पास में है ही, अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल चैप्टर 4 में क्या कहा गया है, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अच्छा मिल जाएंगी मुझे। चलिए देखिए, यह है गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल, ठीक है, और इसके चैप्टर 4 में हम देख लेते हैं क्या कहा गया है। चैप्टर 4 क्राइटेरिया फॉर रिकवरी ऑफ चार्जेस और फॉर सर्विस रेंडर्ड और आर्टिकल सप्लाइड, आर्टिकल सप्लाइड जैसा कि मैंने लिखा बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें आपके कुल 5 पन्ने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू रीड दी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिसने PC8 पास कर लिया एक बार वो भी देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। इसमें आपके पास में जो रूल्स हैं 39, 40, 41, 42 और इसी में आपको इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट के बारे में कहा गया है, फिर जो PC 21 वाले हैं उनके बारे में भी ये आपको काम देगा PC 21 में चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। नोट 1, सच अ सब्जेक्ट जनरल एक्सेप्शन एज मे बी ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट इन केस ऑफ पेटी वर्क ऑल चार्ज कनेक्टेड विद द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा फॉर द सेवरल सिविल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विल बी ब्रॉट टू अकाउंट एज एक्सपेंडिचर of the public works department civil works section or of the civil department concerned according to the administration the work rests with the PWD or is vested in or in transfer by general or special order of government for the PWD to the department using or requiring it। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको इसमें समझना हो। कहा यह गया है कि अगर स्पेशल के ऑर्डर किया जाए तो उसमें से मटेरियल सप्लाई और सर्विस रेंडर, उसमें भी खासकर रिपेयर के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं है, तो उसमें आप PWD को उसमें चार्ज कर सकते हैं, यानी कि PWD के ही खर्च के रूप में उसको दिखाया जा सकता है, पर वो स्पेशल ऑर्डर के केस बनते हैं, नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल केस में क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये है 17.1.2, इसके बारे में 17.1.2 के बारे में जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि बेसिकली जब CPWD कोई भी काम करती है ना तो मटेरियल सप्लाइड में वो प्रॉब्लम नहीं आता है या आर्टिकल सप्लाइड में, लेकिन सर्विस रेंडर में या वर्क डन में ये बात आती है कि सर्विस रेंडर उसी को कहा जाता है वर्क डन, ठीक है, उसमें ये बात आती है कि
जो परचेज ऑफ लैंड होगा, परचेज होगा या रेंट होगा, उसका जो खर्चा होगा वो किसमें बुक किया जाएगा? काम तो करेगी पीडब्ल्यूडी। अच्छा कल याद कीजिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि पीडब्ल्यूडी कैसे काम करती है, तो उसमें से दो तरीके आपको बताए गए थे, या तो लोकल बॉडी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ी देर के लिए वहां से समझेंगे फिर यहाँ पर रेफरेंस मिल जाएगा। तो लोकल बॉडी को गवर्नमेंट से ग्रांट देगी, वो पैसा पीडब्ल्यूडी को लोकल बॉडी देगी जो डिपॉजिट के तौर पर जमा होगा। पीडब्ल्यूडी या तो उसे डिपॉजिट लेगी और फिर काम करेगी, मतलब वर्क डन या मटेरियल सप्लाई। दूसरा तरीका ये है कि उसको ग्रांट जो मिलेगा ना वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से पूरा वर्क किया हुआ मिलेगा, और फिर पीडब्ल्यूडी एक बिल्डिंग बना करके और सीधे शिक्षा सीधे लोकल बॉडी को ट्रांसफर करेगी। ये दो तरीके हैं किसी को भी असिस्ट करने के लिए। दोनों ही तरीके में आखिरकार ट्रांसफर तो कुछ ना कुछ हो रहा है, इस वजह से एडजस्टमेंट का मामला तो बनेगा ही। दोनों ही मामलों में लैंड एक्विजिशन सबसे इम्पोर्टेंट है, कि परचेज और हायर, ठीक है, ऑफ लैंड, इसमें से जिसका कॉस्ट होगा उस कॉस्ट को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो 17.1.2 जो है वो इसी को डिफाइन करता है कि लैंड वाले मामले में हम लोग क्या क्या करेंगे, है ना। तो पहला जो लाइन लिखता है वो ये, द कॉस्ट ऑफ द लैंड एक्वायर्ड बाय द सिविल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ पीडब्ल्यूडी, है ना। अब आपको पहले ही पता है कि हर हाल में एक तरफ सीपीडब्ल्यूडी है और दूसरे तरफ सिविल अथॉरिटी। सिविल अथॉरिटी मैं क्यों लिख रहा हूँ उसके बारे में आप समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट अदर देन डिफेंस और सेक्रेटेरिएट, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सेक्रेटेरिएट नहीं आता है, है ना, इसलिए कोई भी डिपार्टमेंट हो जाए इसको सिविल अथॉरिटी कहा गया है। सिविल अथॉरिटी अगर सीपीडब्ल्यूडी के बिहाफ में कोई लैंड एक्वायर करती है, ध्यान समझिए, काम हो रहा है सीपीडब्ल्यूडी का, राइट। सीपीडब्ल्यूडी ने कोई लैंड एक्वायर नहीं किया है, सिविल अथॉरिटी ने किया है। अमूमन ये काम कौन करता है, कल की क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इस केस में द कॉस्ट ऑफ द लैंड एक्वायर्ड बाय सिविल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ पीडब्ल्यूडी इज डेबिटेबल इन द अकाउंट ऑफ द लेटर, ठीक है। तो अगर इसने एक्वायर किया है और पेमेंट इसने किया है, ठीक है, पेमेंट इसने किया है तो ये डेबिटेबल तो इसके लिए होगा ना, तो यही लिखा हुआ यहाँ पे, इज डेबिटेबल ऑन द अकाउंट ऑफ लेटर। लेटर का मतलब सीपीडब्ल्यूडी के अकाउंट में जाएगा, ठीक है, लेटर एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्क। और ये किस तरीके से होगा, ये कॉस्ट ऑफ वर्क में इंक्लूडेड होगा, क्या इसकी बात है, है ना, कॉस्ट ऑफ वर्क में इंक्लूडेड होगा। फॉर विच द लैंड ऑफ टेकन अप बट व्हेन इट इज टेकन अप फॉर टू और मोर नॉन कमर्शियल डिपार्टमेंट कंजॉइंटली, राइट। अब सीपीडब्ल्यूडी तो है लेकिन इसके साथ में दो से ज्यादा नॉन कमर्शियल डिपार्टमेंट है, और नॉन कमर्शियल डिपार्टमेंट का मतलब सिविल डिपार्टमेंट से ही समझिएगा। कमर्शियल डिपार्टमेंट क्यों कहा गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे PSU हो सकता था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जैसे दो तीन कंपनियां बताता हूँ, भेल है, सेल है, SAIL, ठीक है, उसके बाद में IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब के सब PSU कहलाते हैं, वो PSU नहीं होने चाहिए। अदरवाइज नॉन कमर्शियल डिपार्टमेंट में जब इस तरह का कोई मामला बनेगा तब कॉस्ट ऑफ द लैंड किसको डेबिट किया जाएगा। अच्छा यहाँ डेबिट है, ध्यान से समझिएगा, डेबिट है, राइट, इस पे क्वेश्चन MCQ वाले बनेंगे, राइट, कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। तो कॉस्ट ऑफ द वर्क हमेशा डेबिट होता है, ये आपको पता है, क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर है, ये क्लियर है, हाँ या ना बताइए, कल की क्लास में मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, है ना, ठीक है, दैट्स गुड। तो अगर ये नॉन कमर्शियल डिपार्टमेंट है और दो तीन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, डिपार्टमेंट कंजॉइंटली द चार्ज इज नॉट डिवाइडेड, तब खर्च डिवाइडेड नहीं होगा, तब क्या होगा, बट इट होली डेबिटेबल टू द डिपार्टमेंट फॉर विच द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड वाज टेकन। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि तीन डिपार्टमेंट है, एक ही एरिया है जहाँ पे हम स्कूल बनाएंगे, एक ही एरिया है जहाँ हम हॉस्पिटल बनाएंगे, राइट, यहाँ पे स्कूल बन रहा है और यहाँ पे हॉस्पिटल भी बन रहा है ना। तो अब मान लीजिए हॉस्पिटल बनता है तो वो बहुत बड़ा होता है, स्कूल से तो बड़ा ही होगा कम से कम, तो हॉस्पिटल बन रहा है या फिर एक यूनिवर्सिटी बन रही है और यूनिवर्सिटी में एक हॉस्पिटल बन रहा है, राइट। तो ऐसी स्थिति में स्कूल पटा देते हैं ना, यूनिवर्सिटी कर देते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस, और ये वाला एरिया ग्रेटर है, राइट, और ये वाला स्मॉलर है। ऐसी स्थिति में ये डिवाइड नहीं होगा चार्ज,
सारा का सारा जो डिपार्टमेंट होगा यूनिवर्सिटी के लिए वो होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, है ना, वहीं पे डेबिट हो जाएगा। मतलब कि सीपीडब्ल्यूडी में डेबिट नहीं होगा, सीपीडब्ल्यूडी भी इन्वॉल्व है ऐसा समझ लीजिए, उसकी भी वहाँ पे एक अपनी ऑफिस बनेगी उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में। लेकिन यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है, वहाँ पे हॉस्पिटल बनना है, वहाँ पे एक सीपीडब्ल्यूडी का ऑफिस बनना है, सब कुछ बनेगा। लेकिन चूंकि ग्रेटर पार्ट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ द लैंड जो जाएगा वो सीपीडब्ल्यूडी को न जा करके एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाएगा, मतलब द सिविल अथॉरिटी विच कंसिस्ट ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड। क्लियर है हुआ? हाँ जाना बताइए। ठीक है, अनलेस देयर आर स्पेशल रीजन टू कॉन्ट्रारी, इसका मतलब उसको न दे करके किसी दूसरे को डेबिट करने के लिए स्पेशल रीजन होना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल रीजन में वो काम नहीं होगा। 17.1.3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ स्पेशल ऑफिसर इज एम्प्लॉयड फॉर द एक्विजिशन ऑफ द लैंड, राइट। इसको कोई पढ़िए तब तक मैं मिटाता हूँ। एक स्पेशल ऑफिसर एम्प्लॉय किया गया, वजह क्या, ध्यान से सुनिएगा। होता यह है कि साधारण मामलों में लैंड डिस्प्यूटेबल अगर नहीं होता है तो वो रिवेन्यू ऑफिसर अपना कर लेता है, लेकिन अगर कहीं डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को एम्प्लॉय किया जाता है। और उस ऑफिसर स्पेशल ऑफिसर को जब एम्प्लॉय किया जाएगा तब क्या होगा, डिस्प्यूटेबल मामले के डिस्प्यूट को सुलझाने और उसको एक्विजिशन करने के लिए। वहां पे आप लोग पढ़िए प्लीज। When a special officer is employed for the acquisition of land for the public works department, the expenditure on pay, allowances, etc. for the special officer and his establishment and any expenditure on contingencies is debitable to the public works department as part of the cost of works for which the land is acquired. When the land is taken up... नहीं, बदरू जी, हम लोग एक एक लाइन ही पढ़ेंगे एक बार में, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, उससे आदमी को कंफ्यूजन और बोरियत होती है, ठीक है। तो पहला लाइन क्या है भाई, कि एक लैंड है ना, मेरे हिसाब से ये डिस्प्यूटेबल है, इसको सुलझाने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर एम्प्लॉय किया गया है, डिप्लॉय स्पेशल ऑफिसर, है ना। अब देखिए आप एक बात समझिए, जब लैंड डिस्प्यूटेबल नहीं था तो रेवेन्यू का ऑफिसर तो कर ही रहा था, रेवेन्यू का जो वो ऑफिसर था उसको तो सैलरी वगैरह मिलती होगी, कुछ कंटिजेंसीज के भी चार्जेस होंगे, लेकिन वो आपकी कॉस्ट ऑफ द वर्क इंक्लूड नहीं हुआ है। आप देख रहे हो, आप ध्यान से समझ रहे हैं पहला वाला जो पॉइंट था वो, है ना। लेकिन अगर आपने स्पेशल ऑफिसर को डिप्लॉय किया है और फिर वहां पे उसके सैलरी, उसके चार्जेज, उसके अलावेंस, कुछ भी और अदर कंटिजेंसीज ऑल वुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द वर्क, ये बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ या ना बताइए। सैलरी, ठीक है, अलाउंसेस और कंटिजेंसीज, है ना, और वो कहाँ इंक्लूड होगा, कॉस्ट ऑफ द वर्क में। किसके अकाउंट में डेबिट होगा, डेबिटेड टू सीपीडब्ल्यूडी, ठीक है। मामला समझ में आया? हाँ या ना बताइए, है ना। यस सर, यस। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द लैंड इज टेकन अप बाय अ सिविल ऑफिसर नॉट स्पेशली एम्प्लॉयड फॉर अ वर्क, ठीक है। अब सिविल ऑफिसर है, लैंड इसके लिए टेकन अप किया गया है, और वो स्पेशल ऑफिसर नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है कि ये स्पेशल ऑफिसर है यहाँ पे, तब से इसका सारा का सारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। लेकिन सेकंड केस है कि सिविल ऑफिसर है, नॉट स्पेशल, उस केस में क्या होगा, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। सिविल ऑफिसर नॉट स्पेशली एम्प्लॉयड फॉर द वर्क, ओनली स्पेशल चार्ज इनकर्ड इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ द लैंड ऑन एस्टैब्लिशमेंट कंटिजेंसी एटसेट्रा विल बी बोर्न बाय द पीडब्ल्यूडी एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्क फॉर विच द लैंड इज रिक्वायर्ड। दूसरे वाले मामले में भी यही काम होगा, देख लीजिए, और स्पेशल चार्ज, अच्छा, इसके वाले मामले में सैलरी और अलाउंसेस नहीं होगा, ओनली स्पेशल चार्ज, ठीक है, डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ वर्क। और ये आपके एमसीक्यू में पूछा भी गया है, एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहां पे आपको ए और बी दोनों मामला समझ में आया? हाँ या ना बताइए। हाँ सर, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 17.1.4 लाइसेंस फी ऑफ बिल्डिंग का मतलब कौन कौन बताएगा मुझे, बताइए तो लाइसेंस फी ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, कोई भी एक आदमी बताइए। अरे भैया जो सर, नहीं बताइए, नहीं हाँ बोलिए। क्वार्टर में जो रहते हैं हम लोग का, क्वार्टर का जो लाइसेंस फी कटता है वही लाइसेंस फी। हाँ, क्वार्टर्स में सुनिए, एचआरए तो नहीं है मिलता है, उसके अलावा 350 रुपया कटता है, कितना कटता है आपका?
560 रुपया सर, 560 रुपये कटता, समझे। मैंने आप जब गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं समझे, तो आपका तो पहली बात के एचआरए नहीं मिलता है, और दूसरा लाइसेंस फी लगता है, और वो रहता है नॉमिनल 500, कितना बोले सर, 540 है ना ये, हाँ ये 560 फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, ये जैसा क्वार्टर का होगा कैटेगरी उसके हिसाब से कटता है ना जी। हाँ सर, जी सर, तो जैसे कि हाँ, जैसे कि आपका सी टाइप क्वार्टर होगा तो ऐसा कटेगा, अगर आपका डी टाइप क्वार्टर होगा तो ज्यादा कटेगा, यही ना जी सर। और टाइप थ्री, ठीक है, हाँ बोलिए, और टाइप वाइज करता है सर क्वार्टर में, जैसे टाइप टू टाइप थ्री। हाँ वो बात सही है, तो लाइसेंस भी यही है, समझ गए। गवर्नमेंट क्वार्टर में आपको एचआरए जो नहीं मिलता है वो तो नहीं है मिलेगा, लाइसेंस भी उल्टे कटेगा, ठीक है। तो द लाइसेंस ऑफ बिल्डिंग हायर्ड फॉर यूज एज रेसिडेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट और ऑफ एनी सिविल नॉन कमर्शियल डिपार्टमेंट इज चार्जेबल इन द अकाउंट ऑफ द पीडब्ल्यूडी। समझिएगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, राइट। अमूमन जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं ना वो पीडब्ल्यूडी के कब्जे में होते हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के कब्जे में है ना, कौन क्या होता है गवर्नमेंट क्वार्टर, ठीक है। अब अच्छा एक बात आप समझ लीजिए, पीडब्ल्यूडी के कब्जे में गवर्नमेंट क्वार्टर है और रह रहा है कोई भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना, पीडब्ल्यूडी जनरलाइज क्वार्टर देती है, और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, चैप्टर सिक्स में, कैश वाले में, समझ गए। और ये बहुत बड़ा पोर्शन है इसमें, चैप्टर सिक्स में। मुझे शुरुआत में लगा कि मैं चैप्टर सिक्स पहले पढ़ाऊँ उसके बाद चैप्टर 17 पढ़ाऊँ, फिर ठीक है आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये मामला है कि गवर्नमेंट क्वार्टर है, पीडब्ल्यूडी के कब्जे में है, ठीक है, पर रहते सब लोग हैं, मतलब रेसिडेंट बाय ऑल डिपार्टमेंट, समझे। इस वाले मामले में भी आपका लाइसेंस भी कटता तो है, लेकिन जो डेबिट होता है वो पीडब्ल्यूडी के 2059 में ही होता है, समझ गए। और अगर रिसीट होगा तो 0059 में होगा, इस तरीके से आप समझिए। तो उसमें तो रिसीट ही होगा ना, लाइसेंस भी अमूमन, तो रिसीट जो होगा वो 0059 में रिसीट किया जाएगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से उसका कंसर्न हो, क्योंकि वो किसके कब्जे में है, पीडब्ल्यूडी के कब्जे में। लेकिन यहाँ पे केस नंबर टू है, अगर पीडब्ल्यूडी के कब्जे में नहीं हो, अमूमन पीडब्ल्यूडी के कब्जे में। अच्छा, गवर्नमेंट क्वार्टर जो होता है जो वो रेसिडेंट में माना जाता है ना, तो 216 में होगा ना, तो इसका किस में कटेगा, 0216 में, मतलब कटेगा नहीं, क्रेडिट होगा। लाइसेंस पे किसमें क्रेडिट होगा जी, 0216 में, ठीक है, जो भी आप समझिए क्रेडिट होगा इसमें। हाँ अच्छा, हम अभी अजीत देख रहे हैं, अभी खाली गेस मार रहे हैं, ठीक है, हम जब चैप्टर सिक्स में जाएंगे तब इनको कंफर्म कर लेंगे। या जो मेरे वीडियो देख रहे हैं अगर उनको पता है तो आप लोग मेजर हेड क्लियर बताइए मुझे कि उसका जो क्रेडिट होगा वो किस हेड में होगा, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लेकिन ये केस है पहला वाला, जब इसके पास में हो, पीडब्ल्यूडी के पास में। केस नंबर टू क्या कहता है, स्पेशल केस व्हेन द हायर रेसिडेंट्स आर अंडर द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एनी अदर डिपार्टमेंट। इसका मतलब सेकेंड केस क्या बनता है, ठीक है, हायर्ड बाय एनी अदर डिपार्टमेंट, ये स्पेशल ऑर्डर है गवर्नमेंट का, ठीक है। अगर ये केस है कि स्पेशल ऑर्डर के कारण सीपीडब्ल्यूडी के कब्जे में नहीं है, है ना, नॉट अंडर सीपीडब्ल्यूडी, तब क्या करेंगे, आगे देख लीजिए, लिखता है द चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ रेंट इन कनेक्शन विद रेसिडेंसेस विल बी डिसबर्स्ड एंड बोर्न बाय दैट डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज बोर्न बाय दैट डिपार्टमेंट। अब कहेंगे इसमें कौन आश्चर्य या अफलातून बात है, अफलातून बात यही है कि क्वेश्चन पूछा गया है तो ये कहा गया है कि हायर्ड बाय अनदर डिपार्टमेंट एंड चार्ज बोर्न बाय सीपीडब्ल्यूडी, तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, सब लोगों ने गलत करके आ गए, सब लोग समझ गए। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि एनसीक्यू में जब आपको दिया जाता है तब आप लोग गलत करके आते हैं, समझ गए, ऐसा नहीं करना है। जो डिपार्टमेंट इसको बोर्न करेगा, ठीक है, नहीं, जो डिपार्टमेंट इसको हायर करेगा चार्ज वही बोर्न करेगा। क्लियर समझ में आया मामला, ये तो बहुत सिंपल है कि नहीं, बोलिए। यस सर। अगली लाइन और क्या है वो भी देख लीजिए, उसको हम तीन में ले लेते हैं। तीसरी लाइन क्या है, तीसरी लाइन है व्हेन एनी लैंड और बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू द पीडब्ल्यूडी इज हायर्ड बाय अनदर डिपार्टमेंट टू बी ऑक्युपाइड फॉर एनी अदर पब्लिक पर्पसेस द रेंट इज पेबल बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न एंड द डिविजनल ऑफिसर डू नॉट डिसबर्स रेंट फॉर सच प्रमाइसेस अनलेस
ऑर्डर्ड बाय गवर्नमेंट टू डू सो, सिंपल यही है, समझे। यहाँ तो केवल कुछ मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग था, लेकिन दूसरा जो है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है, समझ गए। एनी लैंड और बिल्डिंग, एनी लैंड और बिल्डिंग विच इज नॉट बिलोंग्स टू पीडब्ल्यूडी, अगर वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा हायर किया गया है तो वो अपना समझे, हमको इसमें काहे को लेना देना। लेकिन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि भाई इसका आपको खर्चा बियर करना पड़ेगा, तो सीपीडब्ल्यूडी करेगी, समझ गए। आया ना? चलिए 17.1.5 इसमें क्या कहा गया मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। कोई जेल में है, उसका जेलर, तो उसके पास में जो कैदी होते हैं उनसे काम करवाया जाता है, वो अमूमन जेल के अंदर काम करते हैं, लेकिन कई बार पीडब्ल्यूडी के लिए बाहर निकल करके भी उनसे काम लिया जाता है। तो अमूमन आप जब किसी जनरल दूसरे मजदूर से काम लेते हैं आप, तो उनको आप मस्टर रोल में पेमेंट करते हैं, सही या गलत? लेबर्स को ना, हाँ मास्टर रोल पेमेंट करते हैं ना, हाँ ठीक है। मास्टर रोल का फॉर्म नंबर क्या आता है, कुछ कोई मुझे बताएगा? 21 है जी, क्लियर है? देखना पड़ेगा बाकी लोग क्या नहीं बोलते। 21 तो वो अब देखिए, अब आपने क्या किया कि लेबर से काम करवाए तो 21 मास्टर रोल में पेमेंट किया, क्लियर। लेकिन जब आप जेल के कैदी से काम करवाते तो क्या करना है, इसमें पढ़िए 17.1.5 पढ़िए जरा। पढ़िए फटाफट, लेट नहीं। When prison labor is employed on public work, no charge is made by the jail department if the convicts are employed on the jail work. But in other cases, the full market value of the work performed as certified by the DO is charged to the public work department. Simple मतलब यही है कि jail के अंदर अगर काम करेंगे ना, तो market value से काम उनको payment नहीं मिलेगा, समझे। लेकिन अगर वो jail के बाहर काम करेंगे तो जैसे master role में बाकी लोगों को payment करते, इनको भी payment करना होगा, समझे। yes, नहीं समझे? संजय दत्त का इंटरव्यू देखिएगा, समझे कि नहीं। संजय दत्त अपने इंटरव्यू बताता है कि उसको डेली का 75 रुपया मिलता था। अब मान लीजिए वो स्टार है, लेकिन तो जेल के अंदर कैदी है ना, लेकिन जब जेल का काम करेगा तो उतने ही पैसे मिलेंगे, लेकिन जब वो बाहर निकल के काम करवाते करवाया जाता है उनसे, तो उसको फुल वैल्यू मिलती है जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है ना। चलिए 17.1.6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एमसीक्यूज भी बने हुए हैं, है ना, इसको आप लोग देखिएगा। 17.1.6 क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू ऑफ गवर्नमेंट टू द अनदर डिपार्टमेंट शैल बी ऑन नॉट प्रॉफिट और नो लॉस बेसिस। इसका मतलब क्या है, इसको कंफ्यूजिंग कैसे किया था मैं आपको बताता हूँ, ठीक। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ लैंड है, कॉस्ट ऑफ लैंड वो 10 लाख है, ठीक है, और 10 लाख में कब खरीदा गया है, खरीदा गया है 2020 में, राइट। और अब आ गया 2022, ये किसके पास में था, सीपीडब्ल्यूडी के पास में, है ना। और सीपीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर रही किसी और को, मान लीजिए कि सीपीडब्ल्यूडी के पास में ऑलरेडी लैंड है और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल बनाने के लिए लैंड से मांगा है, राइट। तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका क्या मतलब होगा कि सीपीडब्ल्यूडी इससे चार्ज लेगी कि नहीं लेगी, और अगर लेगी तो कितना लेगी, और नहीं लेगी तो क्यों नहीं लेगी, या आप लोग मुझसे कोई बताइए, तो बताइए। लैंड ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब बताइए सीपीडब्ल्यूडी चार्ज लेगी कब, इन 2022 में, बोलिए। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, सीपीडब्ल्यूडी चार्ज लेगी पर केवल 10 लाख, मतलब कि जितने में परचेज किया था उतने में, अगर सेम गवर्नमेंट हो केवल डिपार्टमेंट अलग हो। मामला क्लियर समझ में आया, बेशक 2020 में इसका कीमत 10 लाख था और 2022 में इसकी कीमत 12 लाख हो गई है, ठीक है। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी जो लेगी वो मार्केट वैल्यू नहीं लेगी, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 10 लाख, 9 लाख भी नहीं। क्लियर समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए। तो 10 लाख लेगी, इसका मतलब फ्री में काम नहीं होना है, समझ गए। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब जीरो नहीं होता है, समझ गए। इसका मतलब यह है कि हमको जो मिला था हम उतने में ही आपको दे रहे हैं। चलिए आगे, ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग एंड सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं, बड़ी वाली बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग, नहीं ना, सुपर स्ट्रक्चर उसको नहीं कहते। सुपर स्ट्रक्चर ऐसा समझ लीजिए कि जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बगल में पानी की टंकी है, समझ रहे हैं, मतलब बिल्डिंग के साथ में जो अटैच कुछ है, अगर ऐसा
ठीक है, बिल्डिंग के साथ में मान लीजिए कि आपका वो दरबान का दरबान जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, आउट हाउस, उसको सुपर स्ट्रक्चर कहेंगे। मेन बिल्डिंग के साथ में जो अटैच है, जनरेटर रूम सुपर स्ट्रक्चर। मामला समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो फिर ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग एंड सुपर स्ट्रक्चर ऑन सच लैंड बिटवीन डिपार्टमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी एट टाइम एट द प्रेजेंट डे कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर स्टैंडिंग ऑन द लैंड। ठीक है, इसका क्या है कि वैल्यू ऑफ लैंड जो होगा वो नो प्रॉफिट नो लॉस में होगा, लेकिन मकान की कीमत ऐसे तय नहीं की जाएगी। मकान की कीमत अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो उसके हिसाब से तय की जाएगी, तो डिप्रिसिएशन काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो मकान की वैल्यू का देख लेते हैं। मान लीजिए 50 लाख है, राइट, कब है, 2020 में, राइट, और अब इसका मार्केट वैल्यू बढ़ा है, बढ़ेगा कोई बात नहीं, तो इसकी मार्केट वैल्यू अब हो गई 55 लाख। ठीक है, 2022 में, पर डिप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगा बिकॉज इस बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग के लिए मोमेंट डिप्रिसिएशन मान लीजिए 10% अगर रखा जाता है, मान लीजिए तो 50 लाख का 10% नहीं, 55 लाख का 10% है ना, तो 55 लाख का 10, क्योंकि 2 साल हो गया है ना, तो उसका 10 × 20% तो 5.5 को अगर और कम करेंगे तो उसका हो जाएगा 10 लाख ना, 11 लाख है ना, 55 - 11 इस माने 44 लाख रुपये में ये ट्रांसफर किया जाएगा। मामला समझ में आया है ना? यस सर, है ना, चल ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट, है ना, कि लैंड का जो कीमत है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा, और जो बिल्डिंग और सुपर स्ट्रक्चर का कीमत है वो बढ़े हुए मार्केट वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन के आधार पे तय किया जाएगा। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर कौन सा होता है एक बार बताना सर, सुपर स्ट्रक्चर का एग्जांपल अभी तो बताया ना, अभी जैसे देखिए आप एजी ऑफिस में गई अपने ऑफिस में, हाँ हाँ, जनरेटर रूम देखा है मेन बिल्डिंग के अलावा, हाँ हाँ, पार्किंग एरिया देखा है बिल्डिंग के, हमारे ऑफिस में बिल्डिंग के अलावा है पार्किंग एरिया, मतलब बिल्डिंग के नीचे नहीं है, कुछ ऑफिस में बिल्डिंग के नीचे ही होता है, तो हमारे ऑफिस में बिल्डिंग के अलावा पार्किंग एरिया, और हाँ, तो पार्किंग एरिया ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टेड है, मतलब उसके ऊपर में छत की ढलाई है, और जनरेटर रूम और आउट हाउस देखा है, आउट हाउस जहाँ पे वो दरबान रहता है, नाइट वॉचमैन। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है, मामला समझ में आया? यस सर, यस सर, बिल्डिंग के अलावा जो सपोर्टिंग छोटे छोटे बहुत सारे चीज होते हैं, हाँ हाँ, उन सब का ही जो आज की प्रेजेंट डे वैल्यू है माइनस डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, हाँ हाँ, नहीं बिल्डिंग भी इंक्लूडेड है, बिल्डिंग भी इंक्लूडेड है, बिल्डिंग भी तो बिल्डिंग ही है ना, हाँ हाँ, बिल्डिंग का भी, ओके, हाँ, कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे, द वैल्यूएशन फॉर दिस पर्पस। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या बना है कि ये जो कीमत है, कीमत कौन तय करेगा, कीमत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तय करेगी कि पीडब्ल्यूडी तय करेगा, जवाब पीडब्ल्यूडी। ठीक है, वैल्यूएशन कौन लगाएगा, वैल्यूएशन बाय सीपीडब्ल्यूडी, और सीपीडब्ल्यूडी जो वैल्यू लगा दे वही मार्केट वैल्यू होगा, समझ गए? यस सर। और जानते हैं सीपीडब्ल्यूडी का केवल इतना ही रोल नहीं है कि जब वो कंस्ट्रक्शन करेगा तब उसका वैल्यू लगा देगा, समझे, कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी बिल्डिंग ऑन करती है ना, मान लीजिए कि यूपीएससी के पास कोई ऑफिस है, अब वो क्या करेगी, एक नए ऑफिस में शिफ्ट हो रही है तो पुराने बिल्डिंग का क्या करना है, तो पुराना बिल्डिंग हम लाइब्रेरी में यूज करेंगे, यहाँ पे हुआ ना विधानसभा है, विधानसभा को मतलब नई विधानसभा बनी तो पुरानी विधानसभा को छोड़ दिया गया, तो जो नई वाली पुरानी वाली जो विधानसभा है उसको क्या किया जाएगा, तो मान लीजिए उसको संग्रहालय बनाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा, तो म्यूजियम का डिपार्टमेंट अलग है ना, अब विधानसभा सीपीडब्ल्यूडी नहीं है या स्टेट पीडब्ल्यूडी नहीं है, लेकिन उसका क्या रेट वसूल किया जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट से, ये वैल्यूएशन कौन करेगा, स्टेट पीडब्ल्यूडी, मतलब विधानसभा के मामले में, सही है या गलत बताइए? सही है, ये रांची का एग्जांपल है, मतलब क्लियर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, समझ गए, अभी तो अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक किया, समझ गए ना, वैल्यूएशन बाय स्टेट पीडब्ल्यूडी विधानसभा के मामले में, और संसद के मामले में मान लीजिए नई संसद बन रही है, नई संसद का नाम क्या है, विस्टा है क्या, सेंटा विस्टा, हाँ ठीक है, सेंटा विस्टा जब बन जाएगी तो पुरानी वाली संसद के म्यूजियम को सौंप दिया जाएगा, तो उस समय में जो म्यूजियम को सौंपा जाएगा उससे जो बिल्डिंग की वैल्यू ली जाएगी ना, वो दिल्ली में जो सीपीडब्ल्यूडी का ऑफिस होगा उसके वैल्यूएशन वही करेगा, क्लियर है? ओके सर, यस सर, यस सर,
चलिए पॉइंट नंबर तीन, द अलॉटमेंट ऑफ लैंड एंड रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब पीएसयू के बारे में क्या होगा, ये तो हो गया जब नॉन पीएसयू था, ठीक है, पीएसयू का जो होगा अगर उसको ट्रांसफर कुछ किया जा रहा है, समझे कि नहीं, तो उससे फुल मार्केट वैल्यू लिया जाएगा। अभी पीएसयू का मैंने एग्जाम्पल दिया था, याद है कि नहीं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल है ना, और कौन सा, ONGC, ठीक है, BSNL, ये सब को PSU कहा जाता है, समझ गए। हेलो, हाँ सर, यस सर, यस सर, क्लियर हुआ ना। चलिए इनसे क्या लिया जाएगा, फुल मार्केट वैल्यू है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं, द ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल बी रेगुलेटेड बाय प्रोविजन इन आर्टिकल 294, 95, 98, 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये तो तब था जब एक ही गवर्नमेंट था, अब क्या गवर्नमेंट चेंज हो गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अमूमन कोई टर्म है ही नहीं संविधान में, समझे कि नहीं, आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या हम लोग बोलते हैं, संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट नाम का कोई टर्म नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट है, क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है ना। तो एक तरफ है यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी तरफ है कौन, स्टेट गवर्नमेंट, और इनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन होना है, राइट। अब इनके बीच में ट्रांजेक्शन किस तरीके से होगा, ये कौन रेगुलेट करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट करता है, और ये जो आर्टिकल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे, क्लियर है। अभी तक नहीं पूछा गया पर मैं सजेस्ट करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़िए मत पढ़िए लेकिन केवल ध्यान में रखिए, 94, 295, 298, 299, ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, समझ गए। हाँ ना, क्लियर हुआ, यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट है सटम डिपार्टमेंट, इसका कोई मीनिंग नहीं है, डीआरपीटी शामिल है, इंक्लूडिंग है, समझ गए, डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, डीआरपीटी, ठीक है, डिफेंस रेलवे पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। नोट टू में आते हैं इसी का, मार्केट वैल्यू व्हेन अप्लाई टू लैंड मे बी डिफाइंड एज प्राइस विद द लैंड वुड फेच इफ सोल्ड इन द ओपन मार्केट सब्जेक्ट टू द ग्राउंड रेंट और असेसमेंट सोन अगेंस्ट इट इज द रेवेन्यू रजिस्टर। इतने एमसीक्यू क्या बनता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई भी लैंड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है आपको पता है, लैंड की वैल्यू गवर्नमेंट कैसे तय करती है, मैं आपको बताता हूँ ध्यान से सुनिएगा, दो तरह के होते हैं, एक सरकारी वैल्यू एक मार्केट वैल्यू, आपको ये पता है कि नहीं, वैल्यू ऑफ लैंड कैसे होता है, तो जिन्होंने लैंड खरीदा उनको पता होगा, दो तरीके से होता है, एक सरकारी कीमत होता है ना, हाँ, और एक होती है बाजार कीमत, ठीक है, मार्केट, और अच्छा ये सरकारी कीमत जो होती है ये कहाँ लिखा होता है आपको पता है, सेल डीड, अरे नहीं भैया, रेवेन्यू रजिस्टर में होता है, सेल डीड में तो आप रेवेन्यू रजिस्टर से ही उसका रेट उठाते हैं ना, सेल डीड तो अपनी मर्जी से बनाया जाता है, समझे कि नहीं, तो यही है इसमें से जो ज्यादा होगा, समझे, रेवेन्यू रजिस्टर में सरकारी कीमत है वो या बाजार कीमत, कई बार ऐसा हुआ है, कुछ अपवाद ऐसे हैं जहाँ सरकारी कीमत ज्यादा और बाजार कीमत कम है, ऐसा होता नहीं है, मतलब लाख में एक समझ लीजिए, मान लीजिए कि कैसे कीमत हो सकता है, मैं बताऊँ आपको, अभी मान लीजिए कि मुझे पता चल गया है कि मेरे जमीन के ऊपर में मेरा भाई केस करने वाला है और वो जमीन मेरे पास में ऑलरेडी है, तो मैं उससे बचने के लिए क्या करूँ, करने वाला है किया नहीं है, उससे बचने के लिए अपने कीमत को औने पौने दाम में बेचूंगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि मुझे या मेरे फैमिली मेंबर में ऐसी कोई बीमारी लग गई है जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए और मुझे पैसे मिल नहीं रहे, तो मैं अपनी कीमत जमीन की को एकदम कुछ भी जो पैसे मिल जाए मैं ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ। तीसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए कि मुझे कोई मंदिर बनवाना है, उसको मुझे दान देना है और बाजार कीमत उसकी है बहुत ज़्यादा और हमें उसको केवल दान देना है लेकिन उस तरीके से नहीं देना है, या हॉस्पिटल को देना है, तो एक रुपये टोकन अमाउंट ले लिया तो सेल डीड बनेगा एक रुपये का, क्योंकि मैंने लिया एक रुपया, समझ गए, लेकिन सरकारी कीमत उसकी ज्यादा है। तो ये बहुत 3-4 कंडीशंस होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, एक फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया,
रेवेन्यू रजिस्टर में जो सरकारी कीमत है ठीक, और जो बाजार कीमत है उसमें से जो ज्यादा होगी उसी को लैंड ऑफ कॉस्ट ऑफ द लैंड कंसीडर किया जाएगा। मामला समझ में आया है ना? इसमें एमसीक्यू क्या बनेगा? इसमें एमसीक्यू बनेगा एज सोन अगेंस्ट इट इन द रेवेन्यू रजिस्टर, मतलब सरकारी कीमत कहां पे मिलेगी रेवेन्यू रजिस्टर में, ये आपको रेवेन्यू रजिस्टर छोड़कर कुछ और रजिस्टर लिख दिया जाएगा एमसीक्यू में, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। मामला समझ में आया? यस सर। मिटा दे है ना, आगे देख लेते हैं। और इफ नो ग्राउंड रेंट और असेसमेंट सोन अगेंस्ट इट इन द रेवेन्यू रजिस्टर, अगर रेवेन्यू रजिस्टर में मान लीजिए कुछ कुछ दिखा ही नहीं है कि पता ही चल रहा है कि हम लोग उसका रेंट क्या करें, रेंट तो पता नहीं रहता ना, रेवेन्यू रजिस्टर में कॉस्ट ऑफ द लैंड दिखा रहता है, रेंट क्या होगा उसको कुछ नहीं दिखा रहता है राइट, तो रेवेन्यू रजिस्टर में कुछ मिल नहीं रहा है। सब्जेक्ट टू ग्राउंड रेंट और असेसमेंट लेविड एट द रेट एट विच द ग्राउंड रेंट असेसमेंट इज एक्चुअली बीइंग लेविड ऑन सिमिलर लैंड इन द नेबरहुड एक्सक्लूडेड ऑल केसेस इन विच सच सिमिलर लैंड ऑफ द अनफेवरेबल रेट ऑफ ग्राउंड रेंट असेसमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ लैंड तो आप भाई रेवेन्यू रजिस्टर से निकाल सकते हैं ठीक है, और अमूमन आप ये जान लीजिए कि रेवेन्यू रजिस्टर से कम नहीं होता मार्केट वैल्यू ठीक है, लेकिन अगर लैंड का रेंट निकालना हो, ये कॉस्ट ऑफ द लैंड है, अब रेंट ऑफ द लैंड ठीक है, रेंट लैंड सॉरी रेंट ऑफ द लैंड तो लिखा नहीं मिलेगा, तब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में प्लॉट है यहाँ पे, तो ये प्लॉट अकेली थोड़ी होगी, उसके नीचे खाई थोड़ी है, इसके बगल में भी प्लॉट है, इसके बगल में भी प्लॉट है, यहाँ भी प्लॉट है ना, तो अपन क्या करते हैं इसका रेंट कितना निकलेगा, तो मान लीजिए कि ये है ए, ये है बी, ये सी डी ई एस जी एच, ये सब इतने सारे प्लॉट है, हमको डी का रेंट निकालना है, तो अपन क्या करेंगे कि इससे पूछेंगे भैया आपका रेंट है, तो नहीं हमने तो रेंट पे नहीं दिया, एच वाले बोलेगा हमने नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है एफ वाला बोले कि हमने रेंट पे दिया है, तो आप रेंट कितना लेते हैं, तो ये कहेगा कि भैया हम रेंट लेते हैं 5,000 रुपये पर मंथ, समझ गए, तो अपन भी उसी के हिसाब से निकालेंगे नेबरहुड प्लॉट से। मामला समझ में आ रहा है? हाँ जाना समझिए ना, इसी तरीके से लिया जाता है ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और नेबरहुड में सर किसी ने रेंट पे दे ही नहीं रखा फिर नहीं एकदम नजदीक में नहीं दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे थोड़ी दूर जाएंगे ओके, यहाँ मतलब नियर पता करेंगे, समझ गए, ऐसा नहीं है ऐसा होता ही है, लैंड अमूमन रेंट पे रखा ही जाता है, मान लीजिए कि मैंने जहाँ लैंड परचेज किया है तो ठीक है मेरे बगल वाले जो प्लॉट्स हैं उसमें नहीं है, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो वहाँ पे गोदाम वगैरह बनाए गए हैं तो उसमें लैंड दिया गया रेंट पे, तो वहाँ जाके पूछ लेंगे इसमें क्या है, समझ गए, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा जाएंगे इसमें क्या है। दूसरी बात कि सड़क से कितनी दूरी है, मान लीजिए कि रोड पे जो होगा उसका रेंट कम रेंट बहुत ज़्यादा होगा, रोड से अगर दूरी है 300 मीटर 400 मीटर तो रेंट कम होगा कंपेरेटिवली। दूसरा अगर मान लीजिए कि सड़क की चौड़ाई है 20 फुट की, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रक जा सकते हैं वहाँ पे रेंट ज़्यादा होता है, और जहाँ पे सड़क की चौड़ाई 16 फुट की हो 12 फुट की हो तो छोटे छोटे कार जा सकते हैं, छोटी गाड़ियाँ जा सकती हैं, वहाँ पे रेंट कम होता है। तो रेंट जो होता है ना उसको डिसाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, समझ गए आप, इसीलिए कहा जाता है कि CPWD इस मामले में एक्सपर्ट होती है, तो उनसे ही ये तय करवाया जाता है। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 17.1.7 सर्विस रेंडर और आर्टिकल सप्लाइड बाय वन डिवीजन टू अनदर विल बी सेटल्ड थ्रू एडवांस पेमेंट, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन को जो पेमेंट किया जाता है वो एडवांस पेमेंट के तौर पे किया जाता है, देख रहे हैं आप लोग, हाँ ना ठीक है, यहाँ पे वन डिवीजन है ना टू अनदर डिवीजन, कैसे होता है एडवांस पेमेंट, पहले मैंने बोल दिया और ये एडवांस पेमेंट जो है वो कैसे सेटलमेंट से, अच्छा एक और बात, अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना वो मैंने कहा था कि एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को जब पैसा दे रहा है तो वो 8443 Part 3 मिलेगा, मैंने अभी तक बताया था कि नहीं, हाँ ना सर है कि नहीं, एक्चुअल में गुजरात में ही होता है समझे, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट में ठीक है, लेकिन लेकिन जिसने मेरा ये वीडियो नहीं देखा वो थोड़े घाटे में जाए, लेकिन CPWD के मामले में थोड़ा सा थोड़ी प्रक्रिया अलग है, और इसी में 7A अपेंडिक्स 7A में इसको दिया गया है, अपेंडिक्स 7A में दिया गया है, तो आप लोग एक बार अगर पीछे अपेंडिक्स पलटेंगे 7A को देखेंगे तो आप लोग वहां पे पाएंगे कि 8443 ऑपरेट नहीं हो रहा है, 8658 ऑपरेट हो रहा है, कौन सा वाला हेड ऑपरेट हो रहा है 8658, और ये किसका हेड है, सस्पेंस का,
पता है कि नहीं? यस सर। और 865A में मैं इधर बात बताऊं, 799 ऑपरेट हो रहा है ना, 865A के नीचे 799 होता नहीं। तो एक मिनट, 7A निकालिए एक बार जरा, पीछे में है अपेंडिक्स 7A। नहीं सॉरी, 8658 ऑपरेट नहीं हो रहा है, 799 ही ऑपरेट हो रहा है कंसर्न मेजर हेड के नीचे में। जैसे कि मान लीजिए कि 2059 का मेजर हेड है ना, उसका 799 ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, 799 भी आपको पता है कि चार हिस्से में बटा हुआ है, ये पता है ना? पहला वाला है स्टॉक, नहीं तीन हिस्से में बटा हुआ, सॉरी पहला वाला स्टॉक, ठीक है, MWA वर्कशॉप सस्पेंस है ना, वर्कशॉप और वर्कशॉप है, ठीक है। में हम लोग जानते थे केवल मटेरियल सप्लाइड के बारे में, जानते थे कि नहीं? हाँ, 11 पार्ट थे सर इसके, 11 सब हेड थे ना, है ना। इसमें पहली बार मुझे देखने को मिला कि मटेरियल सप्लाइड के अलावा स्टॉक में सर्विस रेंडर्ड भी है, इसी को कहा गया स्टॉक मटेरियल सप्लाइड, मैंने स्टोर सप्लाइड और सर्विस रेंडर्ड, इसी में लिखा हुआ है। आप लोग जरा अपेंडिक्स 7A का पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, कोई भी एक आदमी पढ़िए अपेंडिक्स 7A पॉइंट नंबर 3, सप्लाइंग डिवीजन ऑन रिसीट ऑफ द अबव चेक, पढ़िए कोई भी एक आदमी। निकला कि नहीं 7A, अपेंडिक्स 7A बुक के पीछे में है, बुक है आप लोग के पास कि नहीं? सेवन ए का क्या पढ़ना है सर? पॉइंट नंबर 3, सप्लाइंग डिवीजन ऑन रिसीट ऑफ द अबव चेक, सप्लाइंग डिवीजन ऑन रिसीट ऑफ द अबव चेक विल मेक नेसेसरी एंट्रीज इन द कैश बुक एंड रेमिट द चेक टू बैंक फॉर क्लियरेंस। Entries in the books of supplying division will appear as minus debit to subhead store supplied service render under the minor head 799 substance below the functional sub-major head of the account concerned per contra debit to major minor head 8782 cash remittance। समझे यहाँ पे क्या मामला है, आपको समझाता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो सप्लाइंग डिवीजन है, ठीक है, इसने सप्लाई कर दिया है, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि जैसे उसके पास में जो डिवीजन का हेड होगा 2059 होगा, मान लीजिए तो सब मेजर 00799 और 799 के नीचे में जो स्टॉक वाला है, स्टॉक पर ऑब्लिक किया है और किया गया है सर्विस रेंडर्ड, किया गया कि नहीं? हाँ, स्टॉक सप्लाइड और सर्विस रेंडर्ड। हाँ, इसका मतलब है किसी में, ये MWA में नहीं है सर, वो स्टोर है, स्टोर। चलिए ना, मान लीजिए ठीक है, सर्विस सेंटर कुछ भी होगा, कम से कम स्टॉक में तो नहीं होगा ना, समझ गए? 799 के नीचे में, ये ऑब्लिक में, इसी का दूसरा नाम है, यानी कि हम दोनों में से कोई भी, जहां पे हम स्टॉक को देख रहे थे चैप्टर नंबर 12 में देख रहे थे ना, सस्पेंस किस में था जी, 12 में था ना, जहाँ 12 में सस्पेंस देख रहे थे, वहां पे हम लोग को ये बताया गया था कि ये स्टॉक है ना, लेकिन स्टोर सप्लाइड ऑब्लिक सर्विस रेंडर दिया गया है कहाँ पे, अपेंडिक्स 7A में, समझ गए? और यहाँ पे क्या करना है, माइनस डेबिट करना है, ठीक है, और डेबिट कहाँ करना है, 8782102 में, 108 में सॉरी, और 108 कौन सा हेड है, 8782102, अच्छा 102 है ना, 102 या डेबिट का क्रेडिट करेंगे, इसको कॉन्ट्रा नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका दो हेड इफेक्ट हो, एक में से माइनस किया दूसरे में प्लस किया, तो कॉन्ट्रा क्या होता है, क्लियर हुआ? हाँ, एडजस्टमेंट रिमूवल आना सर, वही वाला भी, ये वाला मामला समझ में आया? CPWD में ये वाला ऑपरेट होता है, लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आया 8782 में क्यों गया फिर ये। हाँ, 8782 में क्यों गया, ऐसे देखिए, ऐसे लोग सवाल पूछते हैं ना, दिल को तसल्ली होती कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, नहीं सचमुझ में जो पढ़ेगा वही जानेगा कि 8782 में क्यों गया,
वरना बाकी लोग तो डर डर के पूछेंगे नहीं कि क्यों नहीं है। ठीक है, पर ये समझिए कि 872 है क्या, 872 रेमिटांस एड है। 872 क्या है? रेमिटांस एड। अभी कहिए रेमिटांस एड कहाँ आया, कहीं देखा आपने रेमिटांस एड? मैंने पहले बताया पब्लिक अकाउंट जो बताया था गवर्नमेंट का अकाउंट का तीन सेक्शन, तो थर्ड सेक्शन था पब्लिक अकाउंट, फिर वो छह सेक्टर में बटा हुआ था। छह सेक्टर का नाम किसी को याद है? हाँ सर, मतलब कैश रिजर्व था लास्ट वाला, फर्स्ट वाला कुछ था, स्मॉल सेविंग पीएफ। यहाँ देखिए एसएसपीएफआरएफ, ठीक है, डी एंड ए, ठीक है, डिपॉजिट एडवांस सस्पेंस रेमिटेंस कैश रेमिटेंस लास्ट वाला कैश रिजर्व है क्या? लास्ट वाला क्या? नहीं ये कैश बैलेंस है। ओके कैश बैलेंस, इसके लिए एक ही हेड है 8999। हाँ ठीक है, तो रेमिटेंस के लिए हेड है 8782। ठीक है ओके ओके, है ना, ये पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? पब्लिक अकाउंट का, है ना। इसको क्या कहा जाता है? सेक्टर। क्या कहा जाता है? सिक्स सेक्टर। ठीक है ना। अभी देखिए 872 क्या हम समझाते हैं आपको। देखिए अगर मान लीजिए कि एक ही ट्रेजरी हो, है ना, और उसी को रुकिए एक ही ट्रेजरी नहीं हो, एक ही पाओ हो जिसको दोनों अपना अकाउंट रेंडर करते हैं, दो ऑफिस, इफ टू ऑफिसेस आर रेंडरिंग देयर अकाउंट इनटू सेम ऑफिस या सेम पाओ, उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वो 872 में प्रोसेस होता है। क्लियर समझ में आया? हाँ है ना। ठीक है, उसको मैं समझाता हूँ, आपको समझिएगा। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो डेली हम लोग यूज करते हैं उसको समझा देंगे तो अपने आराम से समझ जाइएगा। आप पीडब्ल्यूडी हैं, स्टेट पीडब्ल्यूडी, अभी हम लोग सीपीडब्ल्यूडी में समझेंगे। क्लियर, क्योंकि एग्जांपल जो मेरे होंगे सब प्रैक्टिकल वाले जो मैं डेली यूज करता हूँ, क्योंकि हम लोग सीपीडब्ल्यूडी में काम नहीं करते इसलिए हम लोग सीपीडब्ल्यूडी का एग्जांपल भी नहीं देते हैं, लेकिन आपका वो हूबहू लागू पड़ेगा ऐसा समझ लीजिएगा। देखिए क्या होता है, आप पीडब्ल्यूडी हैं, स्टेट पीडब्ल्यूडी, आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, कैसे पेमेंट किया, चेक दिया होगा, हाँ कि ना? हाँ चेक दिया, चेक दिया। हाँ चेक, तो चेक का जो फिगर होता है मान लीजिए 80,000 है तो काम आपका 80,000 का हुआ है? नहीं सर। बोलिए। नहीं, बिल्कुल सही, काम आपका हुआ होगा 1,00,000 का, मान लीजिए 1,00,000, है ना, मान लीजिए, तभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब आप जिद में मत अड़ जाएगा कि 1,00,000 के काम में 80,000 का पेमेंट नहीं होगा, आज हम जानते हैं, मानने के लिए कह रहे हैं, है ना। 1,00,000 का जब आप काम कर रहे हैं ना, तो आप 1,00,000 पूरे का पूरा ग्रॉस फिगर को अपने वाले कंसर्न मेजर हेड में, फंक्शनल मेजर हेड में डाल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे स्टेट पीडब्ल्यूडी जो है वो रोड है, रोड डिवीजन, रोड डिवीजन के लिए रिसीट का हेड होगा 1054 रिवेन्यू एंड रिसीट, ठीक है, और 3054 होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे, 3054 से समझते हैं, है ना। 1,00,000 जो होगा 3054 में 1,00,000 डेबिट होगा, क्यों, पूरा का पूरा, है ना। अब आपका क्या हुआ, 3054 में 1,00,000 हो गया, इसमें से आपका 80,000 चेक और 20,000 रिकवरी, है ना। अब रिकवरी जो होता है ना, बहुत सारा रिकवरी होता है, इनकम टैक्स का अलग हेड है, जीएसटी का अलग हेड है। अच्छा, एक मैं अपडेट देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो आप लोग नहीं जानते हैं, जिनके पास में लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड पुराना वाला है, वो सीजीए के वेबसाइट से, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के वेबसाइट से नया वाला लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड, नया वाला लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड, ठीक है, नया वाला डाउनलोड कर लीजिए। वजह ये है कि आपका 8658 जो सस्पेंस है ना, उसमें एक और माइनर हेड जोड़ा गया 139, तो 8658 आपका सस्पेंस में 112 जो है वो टीडीएस है। कितने लोगों को पता है? नहीं पता तो ना ही बोल दीजिए, हम उसी में खुश हो जाएंगे। नहीं पता है ना, हाँ ठीक है। 8658 का जो
मेजर हेड है उसमें 112, ये जो है ना आपका 8658, ये सस्पेंस का हेड, आपको पता है कि नहीं? हाँ ये पता है सर, पब्लिक अकाउंट उसमें, हाँ उसमें से 112 टीडीएस है, और इसी टीडीएस में इनकम टैक्स रखते हैं। इनकम टैक्स जो आप काटते हैं ना ऑफिस में अपने स्टाफ को, उसी टीडीएस में डालते हैं 112 में, टैक्स डिडक्टेड 100, क्लियर है ना? यस। इसी में एक नया, इसमें एक नया माइनर हेड जोड़ा गया है 139, वो जीएसटी के लिए जोड़ा गया है। मतलब इनकम टैक्स काट करके रखना हो तो आपको 112 में रखना होगा, और जीएसटी काट के रखना हो तो 139 में रखना होगा। पहले जीएसटी भी 112 में ही रखा जा रहा था, लेकिन अब जीएसटी के लिए 139 नया माइनर हेड बनाया गया है। समझ में आया है ना? यस सर। समझ गए ना? यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, फिर से वापस आ जाएंगे उसी में कि 8782 है क्या, राइट? तो देख लीजिए हम क्या देख रहे हैं कि आपने क्या किया कि 80,000 रुपए चेक से पेमेंट किए, ठीक है ना? लेकिन आप याद कीजिए कि ये 80,000 रुपया का जो पैसा है आपने उसको दिया नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में चला नहीं गया है। कॉन्ट्रैक्टर चेक लेके कहाँ जाएगा? ट्रेजरी जाएगा कि नहीं? ट्रेजरी में जाएगा। और ट्रेजरी इसको पैसा देगा ना 80,000 रुपया? बोलिए। हाँ सर, स्टेट के पास ट्रेजरी होती है, ठीक है, है ना? अब ये बताइए कि खर्चा, हाँ ये बताइए कि खर्चा किसका हुआ, सीपीडब्ल्यूडी का कि ट्रेजरी का? ट्रेजरी का। ट्रेजरी का पैसा ट्रेजरी ने दिया है तो लग रहा है कि खर्चा ट्रेजरी का हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेजरी जो है कस्टोडियन है, समझ गए, सीपीडब्ल्यूडी का। तो सीपीडब्ल्यूडी ने ऑलरेडी 1,00,000 रुपए 3054 में दिखा दिया है। अगर इसी 3054 में 80,000 दिखा देगा तो टोटल खर्चा 1,80,000 नहीं हो जाएगा? है ना? इससे बचने के लिए, क्योंकि 1,00,000 रुपए अपने टोटल दिखा दिया है 3054 में, ट्रेजरी 80,000 केवल 8782 में दिखाती है। किसमें दिखाती है? अच्छा, समझे? अब हम क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। हम है पीडब्ल्यूडी है कि नहीं? है ना? तो हम क्या करते हैं, 3054 में 1,00,000 डेबिट दिखाएंगे, है ना, क्योंकि खर्चा हमारे सेट में हुआ है। तो 8782 में डेबिट दिखाएंगे कि क्रेडिट दिखाएंगे? सर इसमें तो क्रेडिट। यस, क्रेडिट दिखाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये चेक दे रहे हैं और दिखा रहे हैं क्रेडिट, समझ गए? और ट्रेजरी, ट्रेजरी ऑफिस जो है वो 8782 में क्रेडिट दिखाएगी, डेबिट दिखाएगी? सर वो तो डेबिट ही दिखाएगी। ट्रेजरी डेबिट दिखाएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि पेमेंट अपने किया ना। 20,000 रिकवरी का, रिकवरी का हेड हम हमको नहीं पता है ना। देखिए रिकवरी का हेड हम बताते हैं, रिकवरी का हेड हमने बताया कोई इनकम टैक्स है, मान लीजिए कि 20,000 में आपका 10,000 रुपए इनकम टैक्स काट लिया और 10,000 रुपए जीएसटी काट लिया, इसमें आप डाल दीजिए। ओके ओके ओके, समझ गए? यहाँ तो ऊपर में दो हेड बताए मैंने, है ना? चलिए इसको मिटा दूं। हाँ सर, रेमिटेंस वर्ड का वैसे क्या मतलब होता है एक्चुअल में? रेमिटेंस वर्ड का मतलब होता है जमा करना, लेकिन हम लोग डिपॉजिट के जमा करना यूज करते हैं, समझे? आप हिंदी में मत जाइए, हिंदी में जो है ना अनुवाद होता नहीं है अच्छे से, जो हिंदी में अनुवाद किया गया है वो अच्छे से नहीं किया गया। रेमिटेंस का मतलब जमा करना होता है, लेकिन हम लोग डिपॉजिट का मतलब जमा लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते हैं? इसीलिए अब हिंदी अनुवाद मत जाइए। मैं लोगों को, सुनिए, मैं पढ़ाता हूँ हिंदी में, लेकिन बुक यूज करने के लिए कहता हूँ इंग्लिश, क्योंकि उसमें प्रॉपर टर्म है। जब आप वही क्वेश्चन हिंदी में जब अनुवाद में पढ़िएगा ना, तो स्टील प्लांट का इस्पात का पौधा पढ़ लीजिएगा, समझे? अच्छा अच्छा, अब देखिए इसको कहते हैं लेट से समझना। इसके लिए एक जोक भी है, हालांकि मैं सुनाऊंगा नहीं। चलिए आगे से पढ़ें। हेलो, ठीक है। 17.1.8 इंपॉर्टेंट है, राइट? इंपॉर्टेंट क्या कहता है, अमाउंट ओइंग बाय और टू अ डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ अदर गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर द सप्लाई अरेंज इन एक्सेप्शनल केस। तो सप्लाई अरेंज इन एक्सेप्शनल केस को भूल जाइए, ठीक है?
एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अमाउंट ओ करता है, ओ करने का मतलब पता है, पाता है ना, अमाउंट अगर पाता है राइट, तो उसको चेक से पेड किया जाना चाहिए, चेक से या बैंक ड्राफ्ट से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हेलो हाँ बस सिंपल है, हाँ सिंपल, एडवांस पेमेंट है, चेक या बैंक ड्राफ्ट होगा, बुक ट्रांसफर से नहीं लिखेंगे लेंगे हम लोग, ठीक है ना। 7.1.9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रह गया बात अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में हम लोग पहले थोड़ा बहुत जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं देख लीजिए, हम लोग ये जानते हैं कि 1 to 9 में अगर हम लोग को कोई पैसा मिलने सॉरी कोई आइटम हम लोग रिसीव करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं 1 to 9 में, मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सस्पेंस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। इफ आइटम रिसीव्ड, समझे, अगर हम लोग आइटम रिसीव करते हैं तो MPSSA, MPSSA कहाँ तक कोई मुझे बताएगा? 865 में माइनर रेट बताइए। वाह वाह, कितने कहा, वो जितने भी कहा उसकी ताली बजाई जाए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो MPSSA है ना, इसमें हम लोग क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, हाँ या ना? हाँ, है ना? हाँ, लेकिन पेमेंट कहीं पढ़ा था सर, कहीं पढ़ा था MPSSA इज ऑलवेज क्रेडिट अकाउंट एंड CASS यानी कैश सस्पेंस सेटलमेंट इज ऑलवेज डेबिट अकाउंट, ऐसा मेरे को अभी क्लियर नहीं हुआ। नहीं वो मैं मुझे भी क्लियर नहीं हुआ, बताओ। मैंने अपने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका भी क्लियर नहीं है, वो भी पढ़ के बताएंगे। तो हमारे गुरुजी ने सरेंडर कर दिया तो हमने कहा कि ठीक है, अभी मैडम का क्वेश्चन सस्पेंशन में है, ठीक है, लेकिन एग्जाम से पहले मैं बताऊंगा, दैट इज माय प्रॉमिस, ठीक है मैम। ओके सर, ठीक है। हाँ तो ये क्रेडिट हुआ है ना, व्हेन पेमेंट मेड ये माइनस क्रेडिट हो जाएगा, समझ गए? हाँ सर, ये तो समझ। हाँ तो ये लिखा हुआ है 17.2.1 में, ओके है ना। हाँ भूल जल्दी जो भी पढ़िए ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इंटर डिपार्टमेंट इसका पढ़ेंगे, 17.2.1 का बी, बी पढ़ा हुआ, बी क्या लिखता है, लिखता है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई मेड और सर्विस रेंडर टू कैबिनेट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मैंने पहले बता दिया इसको, यहाँ पे आपका अकाउंट होगा। हाँ इसके लिए कौन सा हेड है, CSS के लिए 107 है ना, 8658 ये मेजर हेड है ना, ठीक है। ये केवल दो ही डिपार्टमेंट के साथ में होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में, क्लियर है। इसका मतलब कि इसमें एडवांस पेमेंट लेने की जरूरत नहीं, चुपचाप से काम करो, पैसा हम तुमको बाद में देंगे, समझ गए। इसका ये मतलब नहीं कि पैसा देंगे नहीं, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, बाकी जो है आपका 85 का नोट 1 नोट 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट 3 भी नहीं। लिखता है नोट 2, द कॉस्ट ऑफ परफॉर्म जॉब नीड नॉट बी एडजस्टेड मंथली। देख लीजिए एक लाइन कहीं भी घुमा के पूछ सकता है, समझ गए। नोट 1 लिखता है सच परसेंटेज चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ सुपरविजन एस्टैब्लिशमेंट एंड टू प्लांट एज मे बी लेवेबल अंडर द रूल्स शुड आल्सो बी इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट को राइट, तो परसेंटेज चार्ज इंक्लूड रहता है। ये तो मैंने पहले बताया था आपको कि अपने डिपार्टमेंट का हम कोई भी काम करते हैं ना तो परसेंटेज चार्ज या सुपरविजन चार्ज इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन जब भी दूसरे डिपार्टमेंट को देना होता है अपने डिपार्टमेंट की सैलरी वैलरी जो हमारे स्टाफ को मिलती है उसको एक परसेंटेज के रूप में फॉर्मुलेट करके फॉर्मूला बना करके उसको दूसरे डिपार्टमेंट से वसूल किया जाता है। ये बताया कि नहीं आप लोग को? हाँ सर, है ना। चलिए नोट 3 कहता है सिंस ऑल इंटर डिविजन ट्रांजेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर डिविजन फॉल विद इन द सेम सर्कल ऑफ अकाउंट और इन डिफरेंट अकाउंट सर्कल आर रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड थ्रू एडवांस पेमेंट। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, एडवांस पेमेंट से सेटलमेंट होगा इंटर डिविजनल ट्रांजेक्शन, चाहे सेम अकाउंट इन सर्कल में हो किधर में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 17.2.2 ये MCQ में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता रहा हूँ। 17.2.2 आप लोग देख रहे अपने अपने बुक में, ठीक है ना। 17.2.2 कहता है इन केसेस हाउएवर इन विच द ट्रांजेक्शंस ओरिजिनेट इन अदर डिविजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट That is other than, नहीं example department of supply is responsible, the responsible transfer adjustment should be made on receipt of intimation but why? ये question क्या बनता है, question ये बनता है कि आपका जो भी advice मिल जाता है आपको, ठीक है, उसी से transfer adjustment clear किया जाता है। इसका ये मतलब देखिए मैं पढ़ता हूँ फिर से,
in cases however in which the transactions originate in another department of central government, central government के दूसरे department में transactions originate होता है, समझ गए? जैसे कि department of supply में the responding transfer adjustment should be made on receipt of intimation advice, समझ गए? इसका मतलब है कि material आपको मिलेगा उसके बाद आप transfer करेंगे, ऐसा नहीं है, advice मिल जाएगा तो भी आप transfer कर सकते हैं, समझ गए बात? लेकिन वही अगर दूसरा गवर्नमेंट होगा तब तो पैसा मिलेगा तब या फिर सामान मिलेगा तब, जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, हाँ ना बताइए? सर ये दोबारा बताना, मुझे समझ नहीं आया। इसको समझने के 17.2.3 पढ़िए, समझ में आ जाएगा आराम से, पढ़िए 17.2.3 अपने पढ़िए। The responding division should examine every transfer claim, advise to it for adjustment payment. But it may not reject a transfer claim because the voucher is not in order or is wanting. Nor may be transfer claim advice be partly accepted and partly rejected. It may be rejected altogether if it doesn't pertain to the division. Otherwise, it should be accepted provisionally in full. And this dispute as to the amount or as to other particulars of the transaction should be settled separately in the consultation with the officer who advised the transfer. देखिए, मान लीजिए कि हम एक डिवीजन है, है ना? एक डिपार्टमेंट है, CPWD, डिपार्टमेंट नंबर वन, है ना? और डिपार्टमेंट नंबर टू, ठीक है? डिपार्टमेंट नंबर टू ने डिपार्टमेंट नंबर वन से कोई क्लेम किया है, पैसा मांगा है। अपने को पता नहीं कि किस बात के लिए पैसा मांग रहा है, क्या बिल्कुल अननोन है, भैया कुछ काम किया होगा तभी ना पैसा मांग रहा है, ठीक नहीं? लेकिन अगर मान लीजिए कि इसने पैसा मांगा है, हाँ, अगर इसने मान लीजिए पैसा मांगा है तो हम उसको उसके क्लेम को उसको ना तो फुल्ली ना तो पार्टली एक्सेप्ट कर सकते हैं ना तो पार्टली रिजेक्ट कर सकते हैं। या तो एक्सेप्ट करना होगा तो पूरा और रिजेक्ट करना होगा तो भी पूरा, है ना? एक्सेप्ट करने के लिए शर्त है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर उसका वाउचर गलत है, रुपया गलत है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, समझे, उसका गलती को इग्नोर करना है, सेटलमेंट सारा बाद में होगा। मान लीजिए कि उसने आपको एक एडवाइस भेजा है, वो एडवाइस में मांगा है 4,28,000, समझे कि नहीं? और आप जान रहे कि नहीं जो होगा वो 4,26,000 ही होगा, समझ गए कि नहीं? तो काम कीजिए 4,26,000 पेमेंट कर दीजिए, समझ गए? आप पूरे का पूरा जो आपको बनता है उसको पेमेंट कर दीजिए, ये मत समझिए कि उसका सही सही आएगा तब हम उसको पेमेंट करेंगे, वो सेटलमेंट सारा बाद में होगा। या मेजर रेट गलत लिख दिया है, आपको ये पता है ना, देखिए आपका काम हुआ है तब उसने क्लेम किया है, समझ गए? तो जो भी है उसका गलतियां उसको इग्नोर कर देना है, और इग्नोर करके पेमेंट करिए, बाद में उसको देखा जाएगा। मामला समझ में आया? अब ये 17.2.2 क्या है फिर? 17.2.2 यही है मैडम कि वो एडवाइस आ जाएगा तब आपको पेमेंट करना है, और क्या? ओके, ये तो कह रहा है, और क्या कह रहा है, ठीक है? बाकी और आपका मैंने देखा है इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि मुझे अलग से बताना पड़े। एक है 17.2.9, ठीक है, इसमें डिविजनल अकाउंटेंट का रोल है, उसको आप लोग देख लीजिए। द डिविजनल अकाउंटेंट शुड सी दैट देयर इज अ क्लियर अथॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबल डिस्पर्सिंग ऑफिसर ऑफ द डिविजन। इसका मतलब क्या है कि जो पैसा बांट रहा है ना उसके पास में पैसा बांटने का पावर होना चाहिए, और नहीं है डिस्पर्सिंग पावर तो नहीं पेमेंट कर सकता। आपको मैंने बताया था ना कि डिविजनल ऑफिसर यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्राइंग ऑफिसर भी होता है, डिसबर्सिंग ऑफिसर भी होता है, लेकिन जो एफडीओ होता है वो ड्राइंग ऑफिसर नहीं होता, खाली डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है। मैंने बताया कि नहीं? हाँ ना सर, दोबारा सर धीरे धीरे बताना। डिविजनल ऑफिसर यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, वो ड्रॉइंग और डिसबर्सिंग दोनों होता है, ठीक है? हाँ, पर एफडीओ जो होता है ना वो ड्रॉइंग नहीं होता है, समझे कि नहीं? लेकिन डिसबर्स कर सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं बताया मैंने आपको, पापा पैसे कमाते हैं, बेटे को पॉकेट मनी देते हैं, बेटा पैसा तो नहीं कमाता है ना, लेकिन बेटा खर्च तो कर सकता है, ठीक है ना? वही है, लेकिन कोई भी खर्च कर रहा है ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? माँ की। अच्छा, समझे? इसका मतलब यह है कि हस्बैंड को भी छोड़ नहीं दीजिएगा आप लोग, कि कहाँ उड़ा रहे हो पैसा, कमाते क्या है तुम, मुझे कम से कम दिखा तो दो, समझ गए? हाँ सर। बेटे को तो आप लोग कंट्रोल में रख दे कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, दिस वुड बी द एंड ऑफ द टुडेज क्लास।
इसमें जो भी कुछ पोर्शन आप लोग कंफ्यूजिंग लगे आप लोग उसको अपने पास नोटिस कर लीजिए। आप लोग के पास में क्वेश्चन एंड आंसर का जो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, हमको ये बहुत पसंद आया, आप लोग को उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, हम लोग उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ, वीक में एक दिन सर अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर जब डाउट हो जाएंगे तो। हाँ ठीक है, ठीक है ना, तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। थैंक यू सर।